India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कव्यागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल देते हैं नजर हेडलाइंस पर। प्रदूषण की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा, राज्य नहीं कर रहे प्रदूषण नियंत्रण आदेशों का पालन, लगे जुर्माना। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर करवाए जा रहे निर्माण पर केंद्र से किया जवाब तलब, आदेश पालन पर भी मांगा जवाब। त्रिपुरा हिंसा मामले पर एसआईटी जांच की मांग, वाधी ने कहा राज्य पुलिस घटना को लेकर गंभीर नहीं, कोर्ट ने किया केंद्र और त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 10 दिन का दिया समय। कोविड मौतों पर मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कम दावों पर जताई चिंता, राज्यों को केंद्र से विस्तृत डेटा साझा करने को कहा। India Legal presents Courts Roundup. तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सरकारों के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकारों से वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों की जानकारी और उनसे अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकार को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों का पालन करने के संबंधित हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर नियम नहीं माने गए हैं तो राज्यों को तत्काल उनका पालन करना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए आयोग की तरफ से एनसीआर के राज्यों को कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ निर्देशों का पालन हुआ है लेकिन कुछ अन्य निर्देशों के अनुपालन को लेकर जानकारी नहीं थी। इस पर सीजीआई ने कहा, हम हर राज्य को जवाब देने के लिए कहेंगे कि उन्होंने कौन से निर्देश लागू किए। ऐसा नहीं होने पर हम एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन पर मजबूर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और उनके अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हुआ है कि नहीं, इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र से भी पूछा है कि कौन सा राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उसका नाम बताएं। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि वो केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है। कोर्ट ने इस दौरान पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्र के हलफनामे के जवाब में पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, कई राज्य इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, आप केंद्र को निर्देश दें कि हमारा सहयोग करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पोस्ट ऑफिस ना समझो, सीधे सीधे केंद्र के हलफनामे का जवाब दें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पौधारोपण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार एक कार्य योजना तैयार कर हमें उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण के लिए पेड़ों को काटने के लिए मुख्य वन संरक्षक से अनुमति लेने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट अब इस मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर त्रिपुरा में अक्टूबर में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य पुलिस घटना को लेकर गंभीर नहीं है, पुलिस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तारी नहीं दे पा रही है, इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस की मिलीभगत और निष्क्रियता की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने केंद्रीय एजेंसी और त्रिपुरा राज्य के सरकारी वकील की सेवा करने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। बेंच मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करेगी। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य पुलिस घटना को लेकर गंभीर नहीं है, पुलिस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। दरअसल वकील एहतेशाम हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अक्टूबर में त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में एसआईटी द्वारा स्वतंत्र विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि घटना की जांच के नाम पर इस हिंसा के मामले में पत्रकारों और सामाजिक पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों के साथ मिलीभगत की है और उपद्रवियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो बर्बरता और हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। आगे कहा गया है कि पुलिस अधिकारी मुस्लिम समुदाय से संबंधित कई पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहे। इसके अलावा राज्य में हालिया सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग और लिखने के लिए पत्रकारों सहित 102 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है, जिसमें सभी हिंसक घृणा अपराधों को रोकने और मुकदमा चलाने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला मामले में निर्देश दिया था कि पुलिस की कार्रवाई में विफलता के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, पुलिस अधिकारियों को चूक के कृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और हाल ही में राज्य सरकार से पीड़ितों के पक्ष में दिए गए मुआवजे की राशि की गणना के लिए विवरण देने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया। मिश्रा के वकीलों ने तर्क दिया कि जांच में मिश्रा की भूमिका सामने नहीं आई। लखीमपुर खीरा की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, आशीष पांडे और लवकुश राणा के खिलाफ दर्ज मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी चिंताराम ने मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा केस डायरी, 60 चश्मदीदों के बयान और 4 फायर आर्म्स की रिपोर्ट पेश करने के बाद सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इधर जिला सरकारी वकील अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और फिलहाल जांच जारी है। आरोपी आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार लखीमपुर खीरी में अपराध शाखा कार्यालय के सामने पेश हुआ था। 10 अक्टूबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद 1 बजे उसे गिरफ्तार कर लखीमपुर जेल भेज दिया गया।
3 अक्टूबर को कई किसान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एक कार तेजी से आई और किसानों को कुचल दिया। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी और कई अन्य किसान घायल हुए थे। मुठभेड़ में मारे गए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा को एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर ऋचा जमानत याचिका दाखिल करती है तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, अब FIR खारिज करने की मांग कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। उधर ऋचा दुबे की ओर से सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज एक मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया था। ऋचा पर मर्जी के बिना कथित तौर पर नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ऋचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर 2021 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। तत्काल मामले में दर्ज FIR और उससे उत्पन्न होने वाली कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। गौरतलब हो कि ऋचा गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी है, जो पिछले साल कानपुर के कुख्यात बिकरू मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड था। बाद में उसे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त दावों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की कि ऐसा मुआवजा योजना के लिए व्यापक प्रचार नहीं किए जाने के कारण हो सकता है। न्यायमूर्ति MR शाह, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार को कोविड मुआवजे के दावों और वितरण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। राज्यों को विस्तृत विवरण के संबंध में विशिष्ट जानकारी देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि दावों के पंजीकरण और मुआवजे के वितरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समान प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पीठ ने गुजरात राज्य के मामले पर विचार करने के लिए आज मामले को सूचीबद्ध किया था, जिससे पहले मुआवजे के दावे को संसाधित करने के लिए एक जांच समिति गठित करने के लिए उसके द्वारा जारी अधिसूचना को संशोधित करने के लिए कहा गया था। पीठ ने कहा कि जांच समिति का गठन गौरव कुमार बंसल नाम भारत संघ के मामले में पारित निर्देशों के अनुरूप किया गया। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि पिछली सुनवाई में अदालत द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुसार उनके द्वारा एक ज्ञापन के साथ नया हलफनामा दायर किया गया है, जो संपूर्ण मुआवजा संवितरण तंत्र को सरल करता है और राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अंतिम 2 ज्ञापनों का स्थान लेता है। ये कहते हुए कि आपदा प्रबंधन कार्यालय के स्थान का मुआवजा मांग करने वाले लोगों के पास नहीं हो सकता, बेंच ने संकेत दिया कि राज्य द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करना मुश्किल हो सकता है। मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि वितरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल डाटा की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कई राज्य हैं जिन्होंने टीकाकरण न कराने वालों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। जस्टिस नागेश्वर राय ने कहा कि क्या ऐसा कोई आदेश सरकारों की तरफ से दिया गया है और अगर ऐसा है तो आदेश को चुनौती आप दे सकते हैं। भूषण ने कहा, फिलहाल केंद्र ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि हमारे पास MP दिल्ली महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी आदेश मिल गए हैं, हमने उन्हें जमा भी करा दिए हैं। जस्टिस राव ने कहा, अभी तक केंद्र ने अपना जवाब नहीं दाखिल किया, इसलिए सुनवाई नहीं कर सकते। यदि राज्य द्वारा जारी आदेशों को चुनौती देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर आप किसी राज्य के आदेश को चुनौती देंगे तो संघीय ढांचे के इतर हम बिना राज्य को सुने रद्द कर देंगे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ लोगों के निहित स्वार्थ के लिए दाखिल ऐसी याचिकाओं द्वारा टीकाकरण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, यहां तक कि अगर कोई ओरल ऑब्जर्वेशन की नुकसानदायक हो सकता है। जस्टिस राव ने कहा कि इसलिए हमने कहा है कि आप कुछ विशिष्ट हो जाएं तो उस पर सुनवाई भी की जाए। हम भी नहीं चाहेंगे कि टीकाकरण को लेकर कोई समस्या ना हो, फिर भी अगर कोई मामला आए तो उसको सुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव
अल्पन बंदोपाध्याय के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पन बंदोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने सीएटी के द्वारा उनके मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि जब पूरा मामला बंगाल केंद्रित है तो इस पर सुनवाई दिल्ली क्यों स्थानांतरित की गई है। केंद्र ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये पूरा मामला केंद्र के द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय से 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछे जाने पर है, जिसमें उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई और इस कार्रवाई को बाद में जोनल से हटाकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी में स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण को बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को आगामी दिसंबर में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए लक्षण वाले छात्रों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर दिए बिना ऑप्ट आउट विकल्प जैसे उपाय प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग वाले एक आवेदन पर विचार करने से आज इनकार कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में आवेदन पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हम आवेदन पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। अधिकारियों के लिए आवश्यक होने पर संशोधन करने के लिए ये खुला होगा। शीर्ष अदालत ने आवेदकों को बाद के चरण में किसी भी शिकायत के मामले में शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी। जब इस मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो पीठ की पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने कहा कि जिस रिट याचिका में विविध आवेदन दायर किया गया उसका निपटारा कर दिया गया है। इस मौके पर आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता नूपुर कुमार ने कहा कि हालांकि आईसीआर द्वारा जारी 8 नवंबर 2021 की नई अधिसूचना में कोई अंतर्निहित तंत्र नहीं था, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक दिशा निर्देश था। उन्होंने आगे कहा कि दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्रों में किसी भी व्यक्ति को अलग करने के लिए एक निर्देशित आइसोलेशन कक्ष की आवश्यकता होती है, जो स्क्रीनिंग के समय या परीक्षा के दौरान रोग सूचक पाया जाता है, जब तक कि चिकित्सा सलाह मांगी जा सकती है। इधर अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम भारत संघ रिट याचिका में एक हस्तक्षेप आवेदन के रूप में यह आवेदन दायर किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई चक्र परीक्षा के संचालन के संबंध में कई निर्देश जारी किए थे। ये कहते हुए कि आगामी परीक्षा उम्मीदवारों के लिए पुराने पाठ्यक्रम में बैठने का अंतिम मौका होगा, आवेदक के उन उम्मीदवारों के लिए आवेदन पर एक मुश्त छूट के रूप में विचार करने का आग्रह किया गया। इधर एक व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने 23 वर्षों में 49 मामले दर्ज किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे देखते हुए अदालत के समक्ष पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की उपस्थिति का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने ये देखते हुए कि यूपी पुलिस से इसकी उम्मीद नहीं है, कहा कि अनुशासित बल के अधिकारियों से इस तरह की कठोर कार्रवाई की कल्पना नहीं की जा सकती। कोर्ट गौरव उर्फ गौरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत याचिका पर विचार कर रहा है। 4 अक्टूबर 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसके आपराधिक इतिहास और आपराधिक मामलों में उसके निहार्थ के आधार के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने ये रिपोर्ट तब मांगी थी जब आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उसके खिलाफ पुलिस थाना खतौली मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा दुर्भावना से 49 मामले दर्ज किए गए। हालांकि उक्त रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए अदालत ने आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत आपराधिक चार्ट को ध्यान में रखा। कोर्ट ने शुरू में देखा कि वो संबंधित पुलिस थाने की पुलिस कार्यप्रणाली को समझने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि ये कैसे कहा जा सकता है कि मामले को किसी भी व्यक्ति पर गलत तरीके से लगाए गए, वो भी एक बार नहीं वर्तमान मामले में बार बार ऐसा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक के लिए पुलिस सुरक्षा राहत शांति और शांति की भावना है, इसके तत्वाधान में वो चलता है और निडर होकर सोता है। हालांकि अगर उसकी सुरक्षा कवच टूट जाता है तो विश्वास खत्म हो जाता है। ये पुलिस की जिम्मेदारियों में से एक है कि अनुशासित बल जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं वो जनता को सचमुच सुरक्षा दें। एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी से गुजरने वाली एक
ट्रांस वुमेन के शैक्षणिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र में नाम और लिंग को बदलने के लिए तत्काल कदम उठाए। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी एक ट्रांस वुमेन शिवन्या पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसका हाल ही में लिंग प्रसनाइनमेंट सर्जरी हुई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अपना नाम और लिंग बदलने का निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता लिंग डिस्फोरिया से पीड़ित थी और वर्ष 2017 में पुरुष से महिला के लिए लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी हुई। इसके बाद उसके नए नाम लिंग के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया। इस प्रकार से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता अपने लिंग परिवर्तन को देखते हुए उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी करने का हकदार है। राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि क्योंकि याचिकाकर्ता ने 2019 अधिनियम के शुरू से ही पहले एक लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी करवाई थी, इसलिए वो उक्त अधिनियम के तहत संशोधित मार्कशीट और प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए हकदार नहीं थी। ये देखते हुए कि पहले से ही लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराने वाले व्यक्तियों को इस तरह के अधिकार से वंचित करना 2019 अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। अदालत ने याचिकाकर्ता को 2019 अधिनियम की धारा 7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन जमा करने की अनुमति दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद याचिकाकर्ता नए प्रमाण पत्र और मार्कशीट जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। याचिकाकर्ता की मार्कशीट और प्रमाण पत्र में नाम और लिंग परिवर्तन के लिए राज्य के अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.